नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम ज्योतिष व वास्तु से जुड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। दर्शकों, ये बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो ग्रह स्थिति आज बना के मैं आपको दिखाना जा रहा हूं, ये है तलाक योग की। आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में यहां पर सूर्य मंगल शनि बैठे, यानी कि जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य हो, सप्तम भाव में मंगल हो और अष्टम भाव में शनि हो, तो ये 101% तलाक योग बनता है। आपको पति या पत्नी से किसी भी कारण के कारण, कुछ भी कारण हो, तलाक होगा ही होगा, पति या पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। दर्शकों, कई बार क्या होता है, जब लोग पत्रिका दिखाने हमारे पास आते हैं तो दूसरे के ऊपर अपना दोष मढ़ देते हैं कि पति ऐसे हैं, पति कहती है पत्नी ऐसी है। दरअसल ना पति वैसे होते हैं ना पत्नी वैसी होती है, होते हैं ग्रह ऐसे। दर्शकों, जब ग्रह ने एक योग बना दिया, अगर जन्म पत्री में से हस्बैंड या वाइफ में से किसी की भी एक की भी जन्म कुंडली में ये योग होगा तो अवश्य भावी इसमें तलाक होगा ही होगा। मान लीजिए कि ये फीमेल की कुंडली में, किसी औरत की कुंडली में है तो तलाक योग। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो औरत गलत होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अगर ये औरत की कुंडली है, ये फीमेल की मान लीजिए कुंडली है और उसके सामने का जो घर हुआ वो पति का हुआ, तो पति के घर के आसपास जो ग्रह बैठे हैं सूर्य व शनि, ये निर्माण करते हैं पाप कर्तृ योग का। और पति वाले घर पर मंगल बैठे हैं, मांगलिक दोष तो बनाते ही हैं और साथ में सप्तम भाव को पीड़ित भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फीमेल की कुंडली में है और ये जो घर पीड़ित हुआ वो पति वाला हुआ, तो जो ग्रह होते हैं ये पति की बुद्धि भी भ्रष्ट कर सकते हैं। ये जरूरी बात नहीं, अक्सर लोग कह देते हैं कि बहू गलत है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के का संग नहीं ले रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं जिसकी जन्म कुंडली में ये योग हो, कई बार वो खुद गलत नहीं होता, उसके सामने वाला भी गलत होता है, कारण कुछ भी बने। देखिए, जब जन्म कुंडली में योग बना है, कारण तो कोई ना कोई बनेगा ही। अगर ये जन्म कुंडली के उपाय आप बिफोर शादी करते हो तो आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, और अगर शादी हो चुकी है और झगड़ा बढ़ता जा रहा है, मन मुटाव बढ़ता जा रहा है, एक ही घर में रहकर भी अलग अलग रहते हैं, बोलते नहीं हैं, उनका कोई काम नहीं करते हैं, बस एक ही चीज की वेट करते हैं कि एक गलती ये और करे, या मैं तलाक मांगूं, या ये खुद तलाक मांग ले और हमारा छुटकारा हो जाए, और इन्हीं चक्करों में लंबा लंबा खिसता जाता है आपका जीवन, ना जी पाते हो ना मर पाते हो। दर्शकों, जब भी जन्म कुंडली के छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में पाप ग्रह होंगे, आपकी शादी नहीं चल पाएगी, लंबी नहीं चल पाएगी, वो एक दिन तलाक योग बन जाएगा। जबकि जानते आप भी हैं, जहां आपने शादी की है वो घर अच्छा है, कारोबार अच्छा है, काम काज अच्छा है, मगर जब उनसे पूछो कारण क्या होते, कई तो ये कह देते हैं समझ नहीं आता। फिर किसे समझ आएगा इस बात को? अगर समझ कुछ नहीं आता तो कुंडली के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका निकालें, अगर आपकी भी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव के अंदर या सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर या सप्तम भाव के आस पड़ोस में पाप कर्तृ योग या पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से ये एक दिन बंधन टूट जाएगा। ये बंधन ना टूटे इसलिए समय रहते अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, जो इसके बनते उपाय हैं वो करें, जो प्रिकॉशंस है वो करें, जो भी इसकी पूजा पद्धति बनती है या जो भी रत्न धारण बनते हैं वो करके अपने शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाएं। दर्शकों, जिद करने से, अड़े रहने से कोई लाभ नहीं होता, इस विद्या का लाभ उठाएं। इसीलिए अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखा के अपने इन्हीं दुखों का हल चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, आप मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें, अपनी जन्म तारीख भेजें, इस कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और जो मई महीने में आने वाले अच्छे दिन हैं उनके ऊपर आप इनका जो बनता उपाय है करें और इनसे लाभ लें। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा ऐसी नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।